नमस्कार दोस्तों, पूनम की प्यारी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं सेहत का खजाना वाला लड्डू। मीठा खाने का मन करता है तो कभी भी हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, इस तरह के कुछ स्वीट्स बना के रख लेने से हमारे सेहत भी बनी रहती है और हमारा जो मीठे खाना मीठा का जो डिजायर है वो भी पूरा हो जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिया है, ये अखरोट है, मखाना है, बादाम है, नारियल है, किशमिश है। इनको हमने फ्राई करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पे कुछ सौंफ को भी हमने फ्राई कर लिया है। ये है काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा आधा चम्मच डाला है हमने, और यह है इलायची का पाउडर। इन सबको कूट लिया है और सौंफ को हमने खड़ा रखा है, और अगर आपको खड़ा पसंद नहीं तो आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो इसका मेजरमेंट तो आपके रिक्वायरमेंट पे है, बट कोई भी एक मेजरिंग कप ले लें, कटोरी ले लें और उसी से नापना है। तो ये हमने लिया है मिश्री का पाउडर एक कप, और ध्यान देंगे इसी कप से पौना कप पिघला हुआ घी हमको लगेगा और दो कप चावल का आटा। तो कड़ाही में घी को डाल के बाकी ये मखाने को हमने डीप फ्राई करके निकाल लिया, उसी बचे हुए घी में चावल के आटा को, ये देख रहे हैं ये चावल का आटा जो कि ऐसा दिख रहा है, और ये हमने भून लिया है, भून के और इसको ठंडा कर लिया है। तो देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से इस कलर का हो जाएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनेंगे इसको। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेते हैं। काली मिर्च को कूट के हमने इसलिए डाला है कि ये मीठे को बैलेंस करेगा और सौंफ और इलायची जो है डाइजेस्ट करने में इसको हेल्प करेगा। अच्छे से इसको ऐसे मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इस तरह से इसको जितना बड़ा साइज चाहे आप उसमें इसको लड्डू बना लेंगे। इसका इंग्रेडिएंट देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना हेल्थ का ध्यान रखा गया है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होने के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसी तरह से सारे लड्डुओं को बना लें, और 100 से 125 ग्राम चावल के आटे से ये इतने सारे लगभग 20 लड्डू रेडी हो गए हैं हमारे। तो आप देख रहे हैं इसमें चावल के आटे का, जिसके कारण ये ग्लूटेन फ्री लड्डू है और सौंफ का कॉम्बिनेशन सबसे अलग हटके बनाता है। बहुत ही सेहतमंद है, बहुत ही टेस्टी है, और आप इसको 2 से 3 महीने तक रख के आराम से खा सकते हैं। तो जरूर ट्राई करें, कमेंट करके मुझे भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।